वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रमीज रजा ने फिक्सिंग मामले पर दिया बयान। अगर उससे पहले आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो भाई, वसीम अकरम वकार यूनिस का मैच फिक्सिंग मामला। रमीज रजा ने कहा कि मेरे हिसाब से किसी को भी वापस आने का मौका नहीं मिलना चाहिए था अगर उसमें वसीम वकार का नाम होता तो, और वह सही से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, ये बॉर्डर लाइन केस था। साथ ही कहा कि अगर मुझे फैसला लेना होता तो मैं हमेशा के लिए बैन कर देता। 1995 में वसीम वकार का नाम मैच फिक्सिंग में आया था। इसके बाद वसीम अकरम को कप्तानी से हटा दिया था, लेकिन बाद में दोनों को टीम में वापसी हो गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।